कितनी महंगी पहनी है। सबसे महंगा मैंने तकरीबन 2.5 लाख का ड्रेस बनवाया है, वो भी स्टेज का। 2.5 लाख का? साढ़े जा गरीब बंदा गुड़दा वेच के ते अपनी बेगम को ला दे वे। तो आप पूछो ही ना ना। करते हैं कोई सॉन्ग सा को सुनवा सारे देखने वाले को गुनगुनावा। मुझे कोई सॉन्ग नहीं आता। क्या हो गया? नहीं, ऐसे बालों बच्चों वाली हरकतें ऐसे ऐसे मुझे नहीं। मुझे नहीं आता कसम से, सॉन्ग नहीं आता। क्या वजह? नक दको का आजकल वही हिट हो। ते काफी लोग फैन है, लैबा खां के दी फैन है। मैं पहले अपनी फिर मैडम नरगिस की। कितनी गाड़ियां मेरे पास अपनी चलाने के लिए? एक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों दी कोई नहीं खसियां आली? नहीं कोई भी नहीं। सोच भी कोई नहीं? ना सोच है, क्योंकि अल्लाह दे देता है तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी से छीनने की। बाहर दे मुल्क जी ऑफर आई है कोई ना? आई है लेकिन गई नहीं हूँ। क्या वजह? वैसे ही जब तक अपने पाकिस्तान में पैसे हैं तब तक अब यहाँ है। बाहर जाने की क्या जरूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाल अड़ी जख्मी तुसरे पे हो सेफ टीवी। आज मेरे नाल ओ शख्सियत मौजूद है जेडी कह तारफ की मोहताज कोई नहीं, लैबा खां। और काफ़ी अरसे तू थिएटर दे विच काम करन दी पई, और इन्हां कोल पुछना है किवें तो आपको शौक लगा थिएटर दी दुनिया च आवण दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अलहमदुल्ला असा बिल्कुल ठीक ठाक। इसे मुल्तान दे विच और तो आकू कितना अरसे तो तुसा माशाल्लाह काम करते हुए, और मुल्तान से ही मेरा स्टार्ट था, और आज भी मुल्तान ही बैठी हूँ। क्या सोच के थिएटर तुसा आए? क्या सोच के? तो कुछ भी नहीं आए थे, बस थोड़ी सी मजबूरी थी इस वजह से आए थे। अब शौक बन गया। शौक दे नाल नाल मजबूरी भी है? अभी कोई मजबूरी नहीं, अब शौक से कर रही हूँ। कितना महाना कमा लेंदी है लैबा खान? बस इतना कमा लेते हैं कि अपने खर्चे जो है ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। लैबा खान नाल कोई थोड़े जा फनी सवाल भी कर सकते हैं? हाँ जी जरूर करें आप। लोग आ दें ड्रामा देखने आते हैं, गड्डियां तो आते हैं, 6 महीने बाद उन्होंने को गड्डी कह नहीं आती। ये तो बस बातें ही बनी हुई है हमें शोबिज वालों को खराब करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ये गाल करें दें? शायद के पास ज्यादा आ जाता है इसलिए ये बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत ये नहीं है। लैबा खान दी टिकटॉक ते भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच के टिकटॉक ते भी आए तुसा? कुछ भी नहीं, बस जो हम काम करते हैं उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, और कुछ फैन वगैरह जो है वो हमें देख के हम करके रहे हैं, तो इस वजह से हम टिकटॉक पे आए। बहावलपुर तुसा मुल्तान आंदे हो, मुल्तान ही ज्यादा लोग मोहब्बत देंदे नहीं या बहावलपुर? भावलपुर मेरा अपना शहर है तो वहाँ पे तो मुझे और ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, लेकिन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्ले का, और यहाँ मुल्तान जब भी आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मतलब भावलपुर कोई नहीं मिलता प्यार? नहीं भावलपुर में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब भावलपुर दिल नहीं करता ना काम करने को, वो स्टेशन एक है तो वो ख़त्म हो चुका है इस वजह से। लैबा हाँ कितने थिएटर पे काम कर चुकी है? पाकिस्तान में जितने भी हैं सारे थिएटरों में काम कर लिया। लैबा खान बाहर दे मुल्क जी ऑफर आई है कोई ना? आई है लेकिन गई नहीं हूँ। क्या वजह? वैसे ही जब तक अपने पाकिस्तान में पैसे हैं तब तक अब यहाँ है। बाहर जाने की क्या जरूरत है। अपना कल्चर तो अपना ही होता है ना। अच्छा लैबा खां को कितनी गाड़ियां? मेरे पास अपनी चलाने के लिए एक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों दी कोई नहीं खसियां आली? नहीं कोई भी नहीं। सोच भी कोई नहीं? ना सोच है, क्योंकि अल्लाह दे देता है तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी से छीनने की। लैबा खां ते काफी लोग फैन है, लैबा खां के दी फैन है। मैं पहले अपनी फिर मैडम नरगिस की। मुसीकी दे विच केड़े सॉन्ग ते तुसा ज्यादा परफॉर्मेंस की थी? आजकल तो स्ट्राइकी चल रहे हैं, हम स्ट्राइकी पे ही करते हैं। कोई सॉन्ग सा को सुनवा सारे देखने वाले को गुनगुनावा। मुझे कोई सॉन्ग नहीं आता। क्या हो गया? नहीं, ऐसे बालों बच्चों वाली हरकतें ऐसे ऐसे मुझे नहीं। मुझे नहीं आता कसम से, सॉन्ग नहीं आता। क्या वजह? नक दको का आजकल वही हिट हुआ है। चलो थोड़ा ये सुनाओ। तो नहीं मुझे नहीं आती। सराय की शायरी? नहीं। ए, मतलब पक्का इरादा कर गई कोई गाल नहीं डसावनी? नहीं मतलब आते ही नहीं है इसलिए। मैं जिस टाइम थिएटर ते आया तुहाडा ही लोग इंतजार करें दे पैन, बाकी फनकारा दा कोई ना पुछदे पे ये क्या वजह? क्योंकि मेन पे होना इसलिए वो मेरा ही वेट कर रहे थे, और उनको पता है कि 3 दिन बाद अक्सर मैंने सुना है कि मेन वाली भाग जाती है। मैं वही दूंगी जो यहाँ प्ले कर रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनकी मोहब्बत है जो मेरा वेट कर रहे थे।
आखा वेंदा है मेन फनकार को आखिर ते वे क्यों टाइम दिता वेंदा उन बला बला के थकाया वेंदा है। थकाया नहीं मिलता, ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, हमारा टाइम, हमने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया, आज इस मुकाम पे आ चुके हैं कि लोग हमारा वेट करते हैं और हमें अच्छा लगता है। लहबा खान ने सरैकी फिल्मों के भी काम किया है ड्रामे च उतू कैसा रिस्पॉन्स मिले बहुत अच्छा, अभी भी मेरा दिल है कि मैं सराइकी ड्रामा में काम करूं। तो छोड़ क्यों देते हैं? छोड़ा नहीं, बस टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा ना, स्टेज का अलग है, उधर दिन के टाइम में टाइम देना पड़ता है, इस वजह से तो रात में और दिन में बहुत फर्क है। लहबा खान को खावण दे विच क्या पसंद है? मुझे बिरयानी लड़कियों को अक्सर बिरयानी क्यों पसंद होंगी? वो फेवरेट डिश है ना सबकी, इसलिए, और जिसने लोग मोटे होना है वो बिरयानी खाए। तुसा तो इतने मोटे कोई नहीं। नहीं बस सीख हूँ मैं, इतनी भी नहीं हूँ, सही इतनी नहीं हूँ। लहबा खान एड्रेसिंग कितनी महंगी पैंदी है? सबसे महंगा मैंने तकरीबन 2.5 लाख का ड्रेस बनवाया है, वो भी स्टेज का। 2.5 लाख का? साढ़े जा गरीब बंदा गुड़दा वेच के ते अपनी बेगम को लै देवे। तो आप पूछो ही था ना। जेडे लोग देते पैन वो तुहाड़े ते नाराज थी सन, उन्हां दी बेगम ने फरमाइश कर दी 2.5 लाख दे सूट दी। आजकल तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पास पैसा है, वो अपनी बीवियों की खुद ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। अक्सर जेडे फनकार होंदे और एक दफा ड्रेसिंग तुसा 2.5 लाख वाला जेडे ड्रेसिंग सिवाई उस तो बाद में उन्होंने पाया ही है या कोई ना? हाँ, एक दो स्टेशन पे हम रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज उसको फिर वो बाहर अलमारियों में इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा अक्सर जेडे लड़कियां होंदी हैं ड्रेसिंग पहनदियां नहीं उस तो बाद जेले कह को देवण की वारी आती उन्हें को पसंद आवे ने ये सूट भी नहीं देवना ये भी नहीं देवना वो भी नहीं देवना। हाँ, कुछ ऐसे होते जो हमें पसंद आ जाए वो हम किसी को भी नहीं देते, अदरवाइज जो भी होते वो हम एक दो दफा यूज करके तो सेल कर देते हैं। आखिरी पैगाम देखने वाले को क्या देसो? यही देंगे जी, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये बहुत अच्छा चैनल है और ये खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और बस आप लोग को हमेशा मोहब्बतें दिया करें हमें। अच्छा जिस टाइम मैं तुम्हारा इंटरव्यू करन बैठा ना जिमें तुसा लगते आवे उमें कहना आवे बड़ी मासूमियत आई तुम्हारे चेहरे पर आ गई। क्यों, मैं पहले क्या लग रही थी आपको? पहले मेरे को तो गुस्से वाले लगते पाया, असल में मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी इसलिए आपको लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।